नमस्कार, मैं निशी भाटिया और इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड की राजधानी की एक ऐसी विधानसभा जहां के विधायक हैं विनोद चमोली जी। जी हम बात कर रहे हैं धर्मपुर विधानसभा की, जहां पर मौजूदा विधायक दो बार मेयर रह चुके हैं और इसके अलावा अब वो यहाँ के तत्कालीन विधायक हैं और जिन्होंने कांग्रेस के जो दिनेश अग्रवाल थे उनको इस बार भारी वोटों से हराकर अब अपनी जगह यहाँ पर बना ली है। इसके साथ ही आज हम यहाँ की विधानसभा में लोगों से जानने पहुँचे हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्या क्या विकास कार्यों में अभी भी देरी रही है, किन किन विकास कार्य मुद्दों पर सरकार अभी भी खामोश है, इस चीज़ को लेकर आज हम पहुँचे हैं धर्मपुर विधानसभा, जहाँ हम लोगों से जानेंगे कि क्या विकास कार्य मुद्दे होने चाहिए यहाँ को विकास की ओर ले जाने के लिए, और अभी तक किन किन सरकारें जो आई हैं उन्होंने क्या क्या काम किया, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव में धर्मपुर विधानसभा के अंदर क्या क्या विकास कार्यों को लेकर आप कहना चाहेंगे। भाई, विकास कार्य हमारे, हम विद्या विहार में रहते हैं, अब हमारे तरफ तो थोड़ा बहुत हो रहा है, थोड़ा विकास तो हो ही रहा है ना। अब जो भी गवर्नमेंट कर रही है क्या कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार आप किसको वोट देने वाले हैं इस विधानसभा? हम तो जो अब हमारे बीजेपी का नेता जो खड़ा होगा उसे देंगे। किन विकास कार्य मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में बीजेपी को वोट देने वाले? हाँ जी, बीजेपी को। किन मुद्दों को लेकर? मुद्दे मतलब जो है, जो काम कर रही है मोदी सरकार, बाकी तो जैसा भी है वो कुछ तो। क्या आप मुझे गिना सकते किन किन विकास कार्यों पर अभी सरकार, इस वक्त आप बीजेपी की बात कर रहे हैं तो क्या क्या वो काम कर रही है? अरे भाई, जो मतलब हम टीवी पर देख रहे हैं उसके हिसाब से तो मतलब अब पहाड़ पर तो जाके देख नहीं रहे, हम पहाड़ पर बताते हैं बहुत कुछ हो रहा है लेकिन हमारे क्षेत्र में तो कुछ नहीं हो रहा। जो सड़कें हैं वो नहीं बनी हमारी, जो हमारे काम है वो नहीं हो रखे, हमारे यहाँ सिविल लाइन नहीं है। अभी हमने जो है चमोली जी से कहा था, उन्होंने वो पाइपलाइन नहीं डलवाई वहाँ। तो आपका कहने का मतलब है कि विनोद चमोली जी को आपने ये बात सुनिश्चित कराई थी कि वहाँ पर सीवर लाइन वगैरह नहीं है और गैस पाइपलाइन नहीं डली, तो ये मुद्दा आपने कैसे रखा उनका? मतलब ये है भाई, उनसे रिक्वेस्ट की थी हमने कि भाई हमारे यहाँ मतलब आधी पड़ी हुई है आधी नहीं पड़ी हुई, अब वो दिनेश अग्रवाल जी ने डलवाई थी उस टाइम में, तो वो जो है ना आधा रोड रह गया आधा रह गया, मतलब उसका जो सिविल वो है डिस्पेंड वो नहीं हो पाया पूरा। इन सब मुद्दों के बाद भी आप बीजेपी को वोट देने वाले हैं? हाँ, फिर भी हम बीजेपी को देंगे। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये फिर भी बीजेपी को वोट देंगे चाहे वो काम करे या ना करे, और उन्होंने कितना काम किया है वो भी इन्होंने बताया विनोद चमोली जी को। इन्होंने विकास कार्य मुद्दों पे भी बातचीत की, पाइपलाइन नहीं डली थी गैस पाइपलाइन। हम और लोगों से भी जानते हैं कि क्या इस वक्त माहौल बना हुआ है धर्मपुर विधानसभा का, किन किन विकास कार्यों पर अभी सरकार ने काम नहीं किया है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर आप इस बार बीजेपी कांग्रेस या तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं? ओनली सिर्फ बीजेपी, बीजेपी सबसे बेस्ट, और जो भी काम कर रहे हैं सबसे अच्छा कर रहे हैं वो, उनके जैसा काम आज तक किसी नेता ने नहीं किया, ना ही कर पाएंगे आगे। तो क्या आप मुझे गिना सकते हैं कि बीजेपी इस वक्त कितने विकास कार्य कर चुकी है? विकास है 99% समझ लीजिए आप, और ज्यादा विकास करेंगे इस बार आने पे, और मैं बीजेपी को ही वोट दूंगा। आपके हिसाब से इस क्षेत्र में क्या बीजेपी ने विकास किया? बीजेपी इस विकास में सब चीज किया है, लाइट पानी हर चीज है, टाइम से रोड है आपका सबका, एक बार कोई भी बात होती है एकदम कॉल करो एकदम कार्रवाई होती है, हर चीज है सही चल रही है यहाँ उत्तराखंड में ना, मतलब कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, किसी बात की कोई वो नहीं है, हमारी पुलिस भी अच्छी है उत्तराखंड की, और बाकी सब यहाँ के लोग भी ठीक है, बढ़िया चल रहा है, छोटे से लेके बड़े तक, ठेले वाले हो कोई भी हो, सबका छोटा रोजगार अच्छा चल रहा है, कोई किसी को रोका वोका नहीं करा जाता, भी हमारा बढ़िया है, पुलिस प्रशासन भी हमारा सही है, हर तहजीब से बात करते हैं, हर बंदे से सही से बात करते हैं। लेकिन मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हाल फिलहाल के आंकड़े दर्शा रहे हैं इस वक्त उत्तराखंड के, कि कोरोना महामारी के बढ़ने के बाद बेरोजगारी जो दर है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं यहाँ सबके पास रोजगार है। ऐसा है ना कि ये देखे ना, ये तो हर राज्य में हो रहा है, कोरोना एक महामारी बीमारी है, उसमें हम सुरक्षित रहेंगे अगर हमारे पीएम मिनिस्टर वो प्रधानमंत्री जो भी बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, जबकि डबल डोज हमने लगवा ली लेकिन हमें फिर भी इसलिए रोका जाता है कि आप घर में रहो, सुरक्षित रहो, मास्क लगाओ, तो इससे ज्यादा क्या होगा। अभी ये तीसरी भी लहर देखते हैं कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन अगर वो कह रहे हैं तो सही कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर इस बार
बीजेपी कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड को कहीं ना कहीं तीसरा विकल्प मिल चुका है, इस पर आप क्या कहेंगे कि अभी भी किसके चांसेस ज्यादा हैं सीएम की गद्दी पर? बीजेपी के है ज्यादा चांस, एक बार को आम आदमी पार्टी उनको थोड़ा टक्कर दे सकती है और नहीं है, पर फिर भी बीजेपी ही आएगी। कोई नहीं चाहता 200 यूनिट फ्री मिले, फिर कायर हो जाएंगे, कमाएंगे भी नहीं, ना काम करेंगे ना कुछ, बिजली पानी हमें पैसों का ही चाहिए, हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो विकास कार्य की आप बात कर रहे हैं, तो मैं पहाड़ के हाल आपसे जानना चाहूंगी। पहाड़ के बारे में नॉलेज है नहीं, इसलिए हम पहाड़ इतने जाते नहीं है। पलायन को लेकर आप क्या कहेंगे? पलायन के लिए सही है, कोई प्लान नहीं है, वो यहाँ आ रहे हैं, उनका राज्य है, पहाड़ियों का ही है, सबका ही है अपना, सब यहाँ रह रहे, बना रहे हैं घर, पहाड़ भी सही है सब, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी मैम कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस या नया विकल्प उत्तराखंड अब चुनने वाली? मैं तो बीजेपी को ही वोट दूंगी, क्योंकि बीजेपी ने काफी सारे अच्छे कार्य करे हैं, जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, एनडीए सीडीएस वगैरह काफी अच्छे वो करे, मतलब लड़कियों को अच्छा प्रोत्साहन मिला इससे। और फिर बेटी के बचाओ के लिए तो काफी सारा मोदी जी ने करा ही है, तो मेरी तरफ से तो बीजेपी को ही वोट रहेगा जी। तो इस हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप मुझे क्या कुछ विकास कार्य गिना सकती हैं जो बीजेपी इस क्षेत्र के लिए, जो यहाँ के तत्कालीन विधायक है विनोद चमोली जी इस वक्त कर रहे हैं? ऐसे तो मुझे कोई वो याद नहीं है, लेकिन मैं तो यहाँ पर अभी शॉपिंग करने आई थी, मेरे को इतना नहीं पता। अच्छा, तो मैं अभी आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर आप इस वक्त इस जगह पर घूम रही हैं, तो आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रही हैं, तो महिलाओं को यहाँ पर कितनी सुरक्षा मिल रही है? नहीं, काफी सुरक्षा है यहाँ, तो काफी सुरक्षा है, जगह जब मिनट मिनट में तो पुलिस आती है देखती है, मिनट मिनट में आती है, मैं यहाँ कितनी बार सब्जी मंडी में आती हूँ देखती हूँ, काफी ज्यादा वो है, डेवलपमेंट तो है ही, पहले के मुकाबले हादसे कम है, पहले के मुकाबले मोदी जी ने बेटियों के लिए काफी योजनाएं भी चलाई हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए यहाँ पर लगातार पुलिस भी आ रही है, मैं आपको यहाँ के जरा एक बार इस विधानसभा का एक दौरा दे देती हूँ छोटा सा, कि यहाँ का क्या है इस वक्त जायजा, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ स्थिति बनी हुई है कि ये मंडी क्षेत्र है, यहाँ पर सब्जी मंडी लगती है, यहाँ पर फ्रूट्स की दुकानें देख सकते हैं आप, मेरे आसपास सारे जनरल स्टोर्स आपको मिलेंगे, और भी कई सारी चीज़ें हैं, बैनर्स आप देख सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। इसके बावजूद यहाँ पर कूड़े की व्यवस्था भी नहीं हो रखी है ढंग से, सड़क भी अभी मेरे हिसाब से एकदम एप्रोप्रिएट नहीं है, पर लेकिन चुनाव आ रहे शायद हो सकती है यहाँ पर अच्छी सड़कें, बिकॉज क्योंकि सारी सरकारें चाहती हैं कि चुनाव आने से पहले सब चीज़ें साफ हो जाएं, कि जिससे उनका आगे का रास्ता क्लियर हो जाए। तो अभी हम और लोगों से जानेंगे कि क्या है इस वक्त माहौल बना हुआ विधानसभा चुनाव को लेकर, और देखते हैं जानते हैं जनता क्या चाहती है इस बार, किस विकल्प की ओर अब जनता आगे बढ़ना चाहती है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव करीब आ चुके हैं, और इसके अलावा आप इस बार इस विधानसभा क्षेत्र का हालात जानकर किसको वोट देने का इरादा है? वोट तो किसी को भी दे लो। अच्छा, सारे एक जैसे हैं? अच्छा, सारे अपना अपना काम करते हैं, व्यापारियों के लिए सब परेशानियां खड़ी कर रखी, कभी कोई सा टैक्स लगा दें, कभी कोई सा टैक्स लगा दें, हर बार जो नए नए टैक्स लगा देते हैं, दुकानदार को काम करना मुश्किल हो रखा, इसके बारे में ज्यादा क्या कह सकते हैं। धर्मपुर विधानसभा को लेकर क्या कहेंगे आप, यहाँ पर कितना विकास हुआ है? धर्मपुर की तो वो तो दूसरा एरिया होगा ना, हमारा तो कोई एरिया नहीं है ना उसमें, हमारा तो इधर का एरिया पड़ता है, धर्मपुर जाना भी नहीं होता, जो कि कुछ देखे वहाँ से या कुछ करें हम। आपका ये क्षेत्र धर्मपुर विधानसभा के अंतर्गत आता है, ये जो मंडी क्षेत्र है ये, और आपके यहाँ के जो तत्कालीन विधायक है वो भी विनोद चमोली जी है जी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि विनोद चमोली तो दूसरे है ना, अब तो गामा जी है ना यहाँ के, वो मेयर जो है, मेयर नहीं विधायक यहाँ के, अब विधायक तो चमोली जी है जी। तो इस बार आप किसे वोट देंगे? वोट तो हर बार जनता इसको बीजेपी को देते हैं, इस बार किसे देंगे? इस बार देखिए जो मेंबर खड़ा होगा उसको देखेंगे, जो देना होगा। अच्छा, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इस बार भी ये बीजेपी को ही वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कहा कि विकास कार्य बिल्कुल ना के बराबर हुआ है,
जो यहाँ के विधायक है विनोद चमोली जी, उनके भी हाल कुछ ऐसी हैं कि वो विकास कार्यों पर अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी पर जनता को कुछ ज्यादा ही भरोसा नजर आ रहा है। और जनता लगातार, हम और लोगों से भी बातचीत लगातार कर रहे हैं और जानेंगे कि इस वक्त क्या है, लोगों की सोच क्या, लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ के विकास कार्य के लिए कौन सी सरकार सबसे अप्रोप्रिएट रहेगी। तो इसके लिए अब हम और लोगों से जानते हैं और व्यापारियों से जानेंगे कि क्या है असल मुद्दा, क्या है असल वजह, कौन सी सरकार बनेगी सत्ता में। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2022 विधानसभा चुनाव अब करीब है और लगातार नई नई सरकारें आ रही है, नए नए मुद्दों के साथ आ रही है, तो यहाँ इस क्षेत्र के हिसाब से, विकास के हिसाब से किन विकास कार्यों पर आप कौन सी सरकार बने? आई थिंक बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी क्यों? काम अच्छा कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है, काम अच्छा कर रही है, और जो उनके पार्षद हैं, विधायक हैं, अगर कोई बाई चांस कोई काम होता है, कुछ होता है, वो टच में रहते हैं, कभी किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं। तो आप क्या मुझे गिना सकते हैं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए बीजेपी के जो विधायक हैं आपके विनोद चमोली जी, उन्होंने क्या क्या काम किया? अभी रिसेंटली तो नहीं पता है, बट रिसेंटली तो नहीं पता है, अभी रिसेंटली तो नहीं पता है, बट ये है कि जैसे कहीं पर भी सड़क वगैरह है, कुछ है, तो काम सही कर रहे हैं, पहले से प्रोग्रेस है। वैसे यहाँ पे काफी टाइम से जो हमारे यहाँ पे विधायक रहे हैं वो बीजेपी के ही रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस के थे राजकुमार जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप एज अ पर्सन बात करें विधायक की, तो विधायक यहाँ पे जो भी रहे हैं सब अच्छे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे वो बीजेपी के हों। बट आपने पार्टी की आने की बात करी है कि सत्ता में कौन आएगा, तो आई थिंक बीजेपी। और मैं ये चाहूंगी कि कौन से विकास कार्य मुद्दे होंगे यहाँ पर, अगर कोई सरकार सत्ता में भी आती है, कौन सा विधायक यहाँ पर आएगा? तो एक्चुअली क्या है, मैं पॉलिटिक्स में इतना नहीं जानता हूँ, जितनी नॉलेज थी मैंने बता दी। नहीं, फिर भी आपकी आम जनता की जो समस्याएं हैं उनमें से मुख्य समस्या क्या रहेगी? मैं नहीं पूछता। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि काफी सारी समस्याएं तो हैं, फिर भी इसके बावजूद जो भी सरकार सत्ता में आई है, इनके यहाँ जो भी विधायक सत्ता में आए हैं, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। तो मैं आपसे भी जानना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है आपका इरादा, बीजेपी कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी? इस समय जो है ना कांग्रेस का तो मतलब इतना लग नहीं रहा, लेकिन हाँ बीजेपी का चांस ज्यादा लग रहा, बीजेपी का चांस ज्यादा लग रहा है इस समय। फिर भी कह नहीं सकते, चुनाव के पर बात पे है। व्यापारियों के काम में कोरोना काल के दौरान, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपके पास भी दुकान है, तो फिर इस चीज को लेकर आपके कोरोना काल में क्या क्या असर हुआ था? एक तो काम बड़ा मंदा हो गया, और दूसरा जो है अब काम सुधरा है तो फिर कोरोना में लॉकडाउन लगने के चांस बन रहे हैं, अब कह नहीं सकते आगे क्या हल होगा। तो मैं जानना चाहूंगी कि अगर यहाँ पर कोई भी विधायक सत्ता में आते हैं या फिर जो भी पार्टी के आते हैं, तो आपके लिए पहला मुद्दा क्या होगा कि उन्हें सबसे पहले इस मुद्दे पर यहाँ पर विकास करना? भाई इस मुद्दे के बारे में तो मैं कह नहीं सकता कुछ भी, लेकिन हाँ ये है कि महंगाई जो है बहुत बढ़ चुकी है, बीजेपी के राज में महंगाई जो है हद से ज्यादा बढ़ रखी है, इस समय महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले महंगाई पर गौर करना चाहिए, महंगाई एक मुख्य समस्या बन चुकी है, आम जनता के लिए सबसे बड़ी चीज होती है महंगाई। अब इस पर हम और लोगों से भी जानते हैं कि सच में क्या महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कोरोना काल के बाद, जो बेरोजगारी का दर बढ़ चुका है, लोगों के पास रोजगार की कमी हो चुकी है, तो और लोगों से जानते हैं कि क्या है इस वक्त स्थिति बनी हुई है धर्मपुर विधानसभा के अंदर, आइए जानते हैं। तो 2022 विधानसभा चुनाव सर करीब आ चुके हैं, इस चीज को लेकर आपके जो क्षेत्र के जो विधायक है विनोद चमोली जी, उन्होंने कितना विकास कार्य किया? यहाँ के विधायक तो वो हैं खजानदास जी हैं, विनोद चमोली नहीं है यहाँ के विधायक। तो आपका ये क्षेत्र किस चीज में आता है? धर्मपुर नहीं है ये आपका, दूसरा है ये आपका वो राजपुर विधानसभा सीट में आता है ये। अच्छा, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है? विकास नालियां देख सकते हैं कितनी कैसे बंद पड़ी हैं यहाँ की नालियां, विकास तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, मतलब होता है काम लेकिन बाजारों में काम नहीं करते, वो आउटर में और मेन सड़कों पे काम करते हैं, मतलब बाजार को भी ध्यान नहीं देते वो, कम जो है हमारी सरकार जो है बाजारों में ध्यान नहीं देते हैं, अतिक्रमण के लिए आते हैं फिर बाद में ठीक नहीं करते हैं उसे, अतिक्रमण शुरू में तोड़ देंगे बाद में फिर ऐसे छोड़ देंगे बाजार को, ये होती है बात।
तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कोरोना काल के दौरान जो महंगाई का दर इतनी तेजी से बढ़ा, उसके बावजूद यहाँ के जो व्यापारियों पर काफी ज्यादा बोझ पड़ चुका था, तो इस चीज को लेकर आपके व्यापार पर कितना बड़ा असर पहुंचा? व्यापार तो वही है, लेकिन महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है आम आदमी के लिए, क्योंकि जो चीज पहले 100 रुपए की थी वो सीधा 135 रुपए की हो गई है। मतलब हर चीज में महंगाई है। तेल रिफाइंड आप देख लीजिए कहाँ से कहाँ पहुंच रखे हैं। जो तेल रिफाइंड का पैकेट 80 रुपए का था वो 150 रुपए का हो गया है। हर चीज महंगी है, हर चीज महंगी हो चुकी है आज की तारीख में। आदमी तो आदमी की सैलरी वही की वही है और महंगाई कहाँ पहुंची आप खुद देख लीजिए। तो अगर इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी विधायक सत्ता में आएगा, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या क्या विकास कार्य मुद्दे होने चाहिए जो सबसे पहले होने चाहिए? बाकी बाजार में सुरक्षा वगैरह सब सब कुछ बढ़िया है, बस ये कि सफाई भी ठीक है, बस ये थोड़ा बहुत तो कमी हर में रही जाती है, पूरी तो कोई भी नहीं कर सकता, बस नहीं कहना है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो इनका ये क्षेत्र है यहाँ पर अतिक्रमण होता है, उसके बावजूद उसके बाद भी जो कार्य रह जाते हैं वो अधूरे छोड़ देती है सरकारें, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी भी अधूरी हैं सरकार द्वारा। विधायक आते हैं लेकिन काम फिर भी कहीं ना कहीं अधूरा है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सब अपने सत्ता पर आए हैं। दिनेश अग्रवाल जी जो इससे पहले अपने कार्यकाल में थे उसके उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया, और जो किया उसके बाद बीजेपी वो कंटिन्यू कर रही है। जो विनोद चमोली यहाँ के विधायक है और लोगों से बातचीत करते हैं कि इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है कि कौन हो सकता है 2022 विधानसभा चुनाव में आपके क्षेत्र से विधायक? हाँ जी, कौन होगा विधायक आपके यहाँ? अब विधायक क्या, आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र में क्या क्या विकास होने चाहिए? विकास तो हो ही रहा जी, विकास तो हो ही रहा। क्या क्या विकास? क्या सड़क बन रही, नाली बन रही, सब बन रहा, विकास हो ही रहा। आपके कारोबार में क्या असर पड़ रहा है? फर्क तो पड़ ही रहा जी, ये कोरोना की वजह से फर्क पड़ ही रहा। हाँ जी, हाँ जी। जो लगातार बढ़ती महंगाई है, आम जनता पर इसकी मार बहुत ज्यादा पड़ रही है, इस चीज पर आप क्या कहेंगे? आपके परिवार पर इस महंगाई का क्या असर पड़ा? महंगाई तो हो रही, बहुत महंगाई हो रही। किन किन चीजों में महंगाई आपको महसूस हो? ये हर चीज में दे ये दाल है जो रिफाइंड है, तेल है, सब चीज में देखो, आलू प्याज हो गया, ये सब में महंगाई है, हर चीज में महंगाई हो रखी। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई भी सरकार सत्ता में आए तो उसे सबसे पहले आपके लिए क्या काम करना चाहिए, आम जनता के लिए क्या करना चाहिए? महंगाई घटाना चाहिए, और क्या करना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा कि कोई भी अगर आम जनता से पूछा जाए तो उसकी जो मुख्य समस्या है वो है महंगाई। अगर महंगाई कम हो जाएगी तो बाकी सारी समस्या भी जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो और लोगों से भी जानते हैं कि क्या इस वक्त स्थिति बनी हुई है, क्योंकि जो आम जनता है उसका दर्द जो सरकारों को नहीं पता चल रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम और लोगों से भी जानते हैं, और व्यापारियों से भी जानेंगे, और आम जनता से भी जानेंगे कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके कारोबार पर कोरोना काल के दौरान और कोरोना काल के बाद क्या असर पड़ा? काफी असर है, बहुत फर्क है। लगातार बढ़ रही महंगाई, इस पर आप क्या कहेंगे? महंगाई से बहुत फर्क है, हम पे ज्यादा फर्क है। जो आपकी यहाँ पर जो भी विधानसभा क्षेत्र है ये, इसमें क्या क्या विकास कार्य होने चाहिए? इसमें विकास बहुत होना चाहिए, कुछ भी नहीं हो पा रहा। क्या विकास? जैसे कि रेहड़ी मजदूर वाले बहुत परेशान हैं बेचारे, फ्लोट वाले बहुत परेशान हैं, कोई विकास नहीं है, काफ़ी है इसमें वो है। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि जो रेहड़ी मजदूर जो भी एक दिन की दिहाड़ी पर काम करते हैं उनके लिए जो महंगाई की मार है वो बहुत ही ज़्यादा पड़ चुकी है। अब और लोगों से जानेंगे कि असल में वजह क्या है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे जनों से बात करी है और सबका मानना एक ही है कि महंगाई कम होनी चाहिए, जिसलिए आम जनता को ज़्यादा जूझना ना पड़े महंगाई से। और क्योंकि जो आम जनता की मुख्य समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ महंगाई के कारण ही उनका जो जो घर का रहन सहन वो ज्यादा बिगड़ चुका है। और मैं ये जानना चाहूंगी और लोगों से कि अब विधानसभा क्षेत्र के अंतराल जो भी कार्य हो रहे हैं वो क्या है, अभी और लोगों से जानते हैं। चलिए कि इस वक्त क्या विकास कार्य मुद्दों पर काम होने चाहिए जनता द्वारा, सरकार द्वारा, सॉरी। मैं आपसे जानना चाहूंगी, और लोगों से जानना चाहूंगी, व्यापारियों से जानना चाहूंगी कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है, 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है आपका फैसला, बीजेपी कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी?
अब वह बदला होना चाहिए बस। कौन सी पार्टी सत्ता में आनी चाहिए? तो कांग्रेस आनी चाहिए इस बार तो। कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस क्यों ना? बदलाव होना चाहिए ना सरकार में। कोई सी सरकार हो, 5 साल के बाद बदलाव होना चाहिए। पिछली सरकार जो अभी इस वक्त मौजूदा सरकार है बीजेपी, किन किन विकास कार्यों पर लगता है उन्होंने काम किया जी? बीजेपी सरकार ने जो अभी इस वक्त मौजूदा सरकार है क्या क्या काम किया आपके? हमारा तो ये काम है जी, हमारा तो कोई हमारे साथ तो कोई काम नहीं करा, हमारा तो सब लगा रहा काम है, ऐसा कोई उपाय नहीं मिला हमें। तो आपके हिसाब से क्या क्या विकास कार्य मुद्दों पर सरकार को काम करना चाहिए इस क्षेत्र के लिए? तो फायदा होना चाहिए आदमी को, हर चीज सस्ती होनी चाहिए। अब राशन महंगा, हर चीज महंगी है, तेल महंगा है, हर चीज महंगी रही इस बार। इस बार हर सिलेंडर, गैस सिलेंडर महंगा है, इस बार हर चीज महंगी रही है। 5 साल के अंदर बहुत चीजें महंगी रही। तो जैसा कि हमने इनसे जाना कि महंगाई सच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और जो ये रोज के दिन, एक दिन पर जो काम करते हैं, दिहाड़ी पर काम करते हैं, उनके लिए बेहद ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महंगाई जो है सबसे ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि 2022 विधानसभा चुनाव अब नज़दीक आ चुके हैं, लगातार सभी पार्टियाँ अपना दमखम दिखाने मैदान में उतर चुकी हैं, आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सबसे सर्वोच्च है? बीजेपी। कौन सी पार्टी? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बढ़िया चला रही है सरकार, देश का डिफेंस बड़ा मजबूत, हर चीज में सुरक्षा, सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन बहुत जबरदस्त, रोड बढ़िया, फ्लाई ओवर बढ़िया, ऑल ओवर इज गुड। क्या आप मुझे गिना सकते हैं 2-4 जगहों के काम? क्योंकि इस क्षेत्र के हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि बीजेपी के जो मौजूदा विधायक हैं विनोद चमोली, उन्होंने कुछ कार्य किया है। ये प्रॉपर आदमी से जो है पार्टी का बारे में निर्णय नहीं लिया जा सकता, लेकिन इन ऑल जो है देश के अंदर बहुत बढ़िया काम चल रहा है, तारीफ के काबिल है। जैसे कि इन्होंने अपना जो बात बताई है कि बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है विकास कार्यों पे, काफी सारी रोड्स अच्छी बन चुकी हैं और भी कई सारी चीजें हैं, इसलिए ये बीजेपी को सबसे अच्छी पार्टी करार दे रहे हैं। हम और लोगों से जानते हैं कि असल में है क्या, बीजेपी सचमुच अच्छा काम कर रही है या फिर बदलाव चाहती है जनता, तो आइए जानते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या है आपका इस बार का निर्णय, बीजेपी कांग्रेस या कोई अन्य पार्टी? अन्य पार्टी लग रहा है इस बार तो मेरे को। कौन सी पार्टी अन्य में? आम आदमी पार्टी का लग रहा है मुझे। आम आदमी पार्टी क्यों? देखो बीजेपी, हम तो बीजेपी वाले हैं, लेकिन मैं इस टाइम उत्तराखंड में तो लग रहा है कि आम आदमी पार्टी का थोड़ा है बीजेपी की, और वो कांग्रेस की सीटें बहुत काटेगी आम आदमी पार्टी, इसलिए। अगर आप कह रहे हैं कि बीजेपी के आप वो हैं और आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, तो क्यों आनी चाहिए आम आदमी पार्टी आपके हिसाब से? आपकी निजी जिंदगी में अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या क्या बदलाव आएंगे? वो तो फ्री तो दे ही रहे हैं, अब फ्री कब तक देंगे ये पता नहीं, पर चार ये तो है कि थोड़ा एक मौका शायद लोग, मैं तो अपना नहीं कहता, नई पार्टी को देना चाहिए। देखो बाकी तो मैं तो अपना वही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है, इस हिसाब से आप बताएं। पुरानी स्थिति है ये तो, अब इस टाइम पे ये लोडिंग गाड़ियाँ आती हैं, सारा का सारा यहाँ पे जाम ही रहता है ना। वो रिक्शा वाले हैं, वो भी गरीब है, क्या करेंगे, उनको तो रिक्शा चलाना ही चलाना है। कोई फेस्टिवल होता है उस टाइम पे भी सब गाड़ियाँ, पर्सनल गाड़ियाँ लेके आते हैं, चलो ये लोडिंग वाले तो काम करेंगे, रिक्शा वाले काम करेंगे, पर्सनल गाड़ी लेके यहाँ पे शॉपिंग करने आ रहे हैं लोग, तो इस चीज को तो बंद करना चाहिए, वरना ये जाम की तो स्थिति हमेशा ही लगी रहेगी यहाँ पर। देख लो आप रोड में कहाँ कहाँ पहुंच रखा है, अब वो भी क्या करें बेचारे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर कोई भी पार्टी सत्ता में आपके हिसाब से तो कौन सी पार्टी? देखो जो काम करे भाई, सीधी सी चीज है, हमारे को उससे मतलब नहीं है कि बीजेपी आ रही है, कांग्रेस आ रही है, या आम आदमी पार्टी आ रही है, या उत्तराखंड क्रांति दल आ रहा है, जो हमारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा वो काम का है। आम जनता को जो सुधार ले, उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुधारे, तो वो जो पार्टी है वो ही सत्ता में आनी चाहिए, ऐसा जनता का मानना है। अब हम और लोगों से जानते हैं, व्यापारियों से जानते हैं, ये एक जर्नल स्टोर है यहाँ पर, इनसे भी जानते हैं कि क्या है इस वक्त मौजूदा स्थिति 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो इस वक्त आपका क्या है सोच की बीजेपी कांग्रेस या कुछ नया बदला? एक्चुअली में कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास ना,
बीजेपी का ऑप्शन ही है, दूसरी पार्टी में इतना कुछ खास अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। कांग्रेस का बहुत बहुत पहले रह चुका था जोर, लेकिन इस समय ऑप्शन केवल हमारे पास बीजेपी का ही है। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा आती है, इसके लिए क्या क्या काम होना चाहिए? हेलो, काम तो वैसे ये जाम वगैरह की जो सुविधा है, पार्किंग वगैरह कुछ बनी भी नहीं यहाँ पर है। जो कस्टमर आते हैं परेशान रहते हैं पार्किंग को लेके, भाई इस तरह के काम होने चाहिए। तो सर जो जाम लगा रहता है, क्या क्या और मुद्दे हो सकते हैं कि अगर जो भी पार्टी सत्ता में आए तो वो सबसे पहले किन मुद्दों पर यहाँ ध्यान दे? मुद्दे तो ऐसे मेन दिक्कत तो यहाँ पर पार्किंग वगैरह हो गया। आपके हिसाब से क्या हो सकते हैं मुद्दे? यहाँ पर बीजेपी का ही आना चाहिए हमारे हिसाब से, और बीजेपी का ही गढ़ है तो बीजेपी आनी चाहिए। और जैसे यहाँ पार्किंग वार्किंग का बहुत बड़ी समस्या है पूरे देहरादून में, जाम जूम लगा रहता है, इसके बारे में सरकार थोड़ा सोचना चाहिए बाजार के हिसाब से अगर कहें तो। बाकी और बहुत सारे मुद्दे हैं, वो सरकार को खुद ही भी बताइए कि क्या क्या चीज़ें ठीक होनी है, क्या क्या कम होनी है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर उत्तराखंड के लिए कोई एप्रोप्रिएट CM हो, जो मुख्यमंत्री की गद्दी पर एकदम सक्षम हो, तो वो कौन सी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा, कौन सा वो चेहरा होगा? अभी जो चल रहा है ये धामी, बिल्कुल सही है। आपके हिसाब से कौन होगा वो चेहरा? मैडम मेरे हिसाब से तो होना चाहिए कोई नया, जो थोड़ा ज्ञान वगैरह उस तरफ से। कौन हो सकता है, बीजेपी कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कोई अन्य दल? बीजेपी से ही। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ की मुख्य समस्या एक और भी है, जो है पार्किंग की व्यवस्था से जुड़ी, तो मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगी कि वो एक बार मेरे उलट दृश्य दिखा दें कि क्या स्थिति अभी इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी व्यापारियों का मानना है कि कस्टमर्स जो भी आते हैं उन्हें सबसे पहले पार्किंग की दिक्कत होती है। पार्किंग ना होने के कारण काफी ज्यादा नुकसान होता है, और लगातार आप देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग गाड़ी आती है, क्योंकि एक मंडी क्षेत्र है तो मंडी अंदर जितनी भी लोडिंग गाड़ी आती है, जो जो सामान लोड होकर आता है तो वो यहीं से गुजरता है, तो आवाजाही में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर सड़कों का चौड़ीकरण भी नहीं हो चुका है। और ये एक मेन मार्केट, मैं आपको बता दूं कि मेन मार्केट है हनुमान चौक। जी हाँ, हनुमान चौक बहुत ही ज़्यादा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लोग अगर जानते हैं तो वो ये है कि हनुमान चौक एक मेन जगह है जहाँ पर सभी फ्रूट्स मार्केट और वेजिटेबल मार्केट और साथ ही साथ राशन की जितनी भी चीज़ें होती हैं उनसे जुड़ी सामान यहाँ पर मिलता है। तो मैं आज यहाँ पर धर्मपुर विधानसभा मौजूद थी, जहाँ की मैंने लोगों से जानकर स्थिति का जायजा लिया, और मैंने सरकार को सवाल भी उठाए हैं कि सरकार को इन इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। तो मैं आपको गिना देती हूँ एक बार आखिरी में, अपनी क्लोजिंग करने से पहले तो मैं ये बात बता दूँ कि लोगों का मानना है सबसे पहले महंगाई कम होनी चाहिए। इस क्षेत्र के लोगों का मानना है महंगाई कम होनी चाहिए। व्यापारियों का मानना है कि सबसे पहले आम जनता की सुविधा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सड़क व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ सड़कों के चौड़ीकरण पर भी ध्यान देना चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, और जो सरकारें प्रशासन द्वारा नगर निगम द्वारा यहाँ पर लगातार अतिक्रमण किया जाता है उस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए। जो बात की स्थिति होती है उससे आम जनता को काफ़ी ज़्यादा जूझना पड़ रहा है। तो इसी के साथ मैं आज अपनी रिपोर्ट को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। बनी रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।